तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें आशीष चंचलानियान पूरब झा के बारे में। तो गाइस के आशीष चंचलानियान पूरब झा का कोलैब आने वाला है। तो गाइस इस चीज के बारे में आशीष चंचलानिया अपने इंस्टाग्राम लाइव पर कुछ ये बोले ना, वो आप खुद देख लीजिए। अरे पूरब कैसा है मेरी जान क्या किल कर रहा है भाई पूरव, तो यार क्या किल कर रहा है, क्रेजी यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पूरव। तेरे को ग्रो होते हुए देख बड़ी खुशी होती है यार। पूरव के साथ कोलैब, आई वुड लव टू। पूरव आया भी था बीच में, पूरव और मैंने कुछ प्लान भी किया था। पूरव ने मेरे को 2-3 बार बोला आशीष भाई करते हैं कुछ और काफी टाइम से, लेकिन मैं ही खुद इतना बिजी लगा पड़ा था। पूरव के साथ तो मेरे को 100% करना ही है, बहुत बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर ले नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है अरमान मलिक के बारे में। तो गाइस एलविश यादव के फ्रेंड लक्ष्य ने रोस्ट कर दिया है अरमान मलिक को, वो आप खुद देख लीजिए ना। कि जो अरमान मलिक है वो बादशाह की तरह दिखता है, मतलब ट्रू, कोई भी डिफरेंस नहीं है सिर्फ एक चीज के अलावा। बादशाह जो है वो रैप करता है और ये बादशाह भाई सी माइनर्स पे रैप करते हैं और ये माइनर्स का। तो ये किस किताब में देख लिया कि मैं हिंदू से मुस्लिम बनाऊं, मैं हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा जब तक। चलो मान लिया अरमान की तू हिंदू है, पर ये जैद, तूबा, अयान ये भी हिंदू नाम है। अरमान भाई जो पूरी दुनिया को समझता है ना सबसे बड़ा तू बैंड। और भाई अगर तू मुस्लिम है तो भाई तू खुले में चौड़े होके बोलना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है? या फिर तेरे को इस बात का डर लगता है कि अगर उन लोगों को तेरा असली रिलीजन पता लग गया तो वो तेरे को बाहर निकाल देंगे? अरे भाई तू अगर मुस्लिम है तो खुल के एक्सेप्ट करना सबके सामने कि हाँ तू मुस्लिम है। या तो मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को इस बात का डर है कि अगर इनको पता लग गया तो ये तेरे को रिलीजन से बाहर कर देंगे, क्योंकि इस्लाम में सुअर तो हराम होते हैं। ये लड़कियों के लिए इतना बड़ा डेंजर है ना, इतना बड़ा डेंजर है, मैं तो कह रहा हूँ इसको बार बार इस्लाम में कन्वर्ट कराओ, सारा थोड़ा थोड़ा करके इसका पूरा काट दो। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर ले नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है रजत दलाल के बारे में। तो गाइस रजत दलाल का मेन इंस्टाग्राम अकाउंट हो चुका है डिलीट। तो गाइस रजत दलाल अपने सेकंड इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए अपने मेन अकाउंट को डिलीट होने के बारे में बताए ना, वो आप खुद देख लीजिए। तो भाई कैसे हैं सब, पता लग ही गया होगा मेरा जो मेन वाला अकाउंट है वो शो नहीं हो रहा। जो मैंने स्टोरी लगाई थी कोलकाता केस वाली ना, उसके बाद मेरे पास 3 इंस्टाग्राम अकाउंट थे फेक, उनसे मैसेज आया था कि इसे डिलीट करो और यूट्यूब वीडियो हटाओ। अब मुझे लगा कोई बच्चा मौज मस्ती ले रहा है तो मैंने उसका ध्यान दिया नहीं, और सेम रात को मेरा इंस्टाग्राम चलना बंद हो गया। अब भगवान जाने क्या सीन था, अब जो भी था खैर आवाज तो दबने से रही, जो चीज है सो है। तो जब तक वो अकाउंट आता नहीं है तब तक मैं यहां से एक्टिव रहूंगा, ख्याल रखो सर। तो हाँ गाइस आज के इस वीडियो में कुछ यही अपडेट्स थे ना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यहाँ पे आपको ऐसी YouTube कम्युनिटी के बारे में अपडेट मिलते रहती है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।